नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर रमेश झा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। आइए आज हम लोग जानेंगे अस्थमा, जिसको दम्मा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उस रोग के बारे में। आज के समय में यह रोग दम्मा अस्थमा लोगों में काफ़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं, यह बीमारी लाइलाज है, इसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको, यह लाइलाज नहीं है दोस्तों, इसका इलाज है, बशर्ते इसके उत्पत्ति के कारण, लक्षण और इसके बीमारी के प्रकार के बारे में अगर जानकारी मिल जाए तो 100% गारंटी के साथ इसका इलाज है। अगर लक्षण नहीं मिलेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, तो फिर ठीक नहीं हो पाते हैं लोग। लेकिन मैंने इस पर काफी रिसर्च किया है, आखिर यह क्यों नहीं ठीक हो पाता है, क्या कारण है, तो मैंने देखा इसको बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे लक्षण हैं। लोगों को खुद समझ में नहीं आता है इस बीमारी की उत्पत्ति मुझे कैसे हुई है और मैं कैसे इसे ठीक कर पाऊंगा, किस डॉक्टर के पास जाऊं जो इसका इलाज हो जाए। डॉक्टर टू डॉक्टर, डोर टू डोर लोग बदलते रहते हैं डॉक्टर को, और एंटीबायोटिक लेते लेते शरीर जर्जर हो जाता है, आयु घट जाती है, किडनी लीवर फेलियर हो जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन यह बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च के बाद होम्योपैथी बहुत महत्वपूर्ण दवाओं का इसमें चयन किया है, शोध किया है, जो आपको फायदा देगा, और लक्षण भेद के अनुसार अगर आप इस दवा को लेते हैं तो आप पूर्णतः ठीक होंगे, इसका इलाज 100% होगा, गारंटी के साथ होगा, यह लाइलाज नहीं है, यह इलाज युक्त है। आइए बताते हैं इसके कैटेगरी के बारे में, जिसको मैंने 5 भागों में विभक्त किया है। पहला है एस्पोजमेटिक एजमा, दूसरा है ब्रंकियल एजमा, तीसरा है रेनल एजमा, चौथा है कार्डियक एजमा और 5वां है हिस्टोरिकल एजमा। इसको मैंने 5 कैटेगरी में विभक्त किया है और 5ों की अलग अलग दवा का मैंने रिसर्च किया है। मेरे पास जो भी रोगी आते हैं मैं इसी में से दवा का चयन करके देता हूं और वह पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, और इस पर लगता है जो मैंने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की है, यह फायदा आप लोग भी ले पाए। बहुत सारे मेरे देश में लोग ऐसे हैं जो अस्थमा के रोग से परेशान हैं और उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है, और वह दवा कुछ न कुछ लेते रहते हैं और दवा खाते खाते अपने शरीर को जर्जर अवस्था में ले आते हैं और समयी उनकी मौत हो जाती है। तो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को एस्पर्मेटिक एजमा के बारे में, जो इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी परेशानी क्यों होती है इसमें, और किस दवा से यह ठीक होंगे। आप लोगों को मैं इसकी पूर्ण जानकारी आज देता हूं और बाकी जो है बचे हुए थोड़ा थोड़ा सा सर के बारे में जानकारी दे देता हूं। एस्पोर्मेटिक एजमा की उत्पत्ति मुख्यतः पेशाब रोग से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, पेशाब जब भी आपका कमेगा, पेशाब की मात्रा निकलना कम जाएगा, बूंद बूंद पेशाब होगा, गर्मी से परेशानी बढ़ेगी, धूप से परेशानी बढ़ेगी, पंखे की हवा की चाहत ज्यादा होगी, ठंड खूब सहन होगा, स्नान करने से अच्छा लगेगा, राहत महसूस होगी, तो समझ जाना चाहिए कि मुझे
एज प्रॉब्लमेटिक एज नॉट हो गया। इसकी जो आज मैं दवा बताऊंगा, दवा लेंगे और आप पूर्णतः ठीक होंगे। इसमें बीमारी में आपको अड़कन और कुछ लक्षण मिर्गी टाइप के भी हो जाते हैं, चेहरा शरीर नीला हो जाना, शरीर में अड़कन हो जाना, टाइट हो जाना, कुछ लक्षण, कुछ रेयर केस में ऐसा होता है। लेकिन सांस फूलना शुरू हो जाता, सांस लेने में तकलीफ, खींचने में तक परेशानी होती। फिर क्या होता है, सांस नली जो है वो सरकरा हो जाता है, सिकुड़न हो जाती है, सरकरा किसी न किसी तरह या उसके अंदर श्लेष्मा भर जाता है जिसके कारण वह सरकरा हो जाता है या उसमें सिकुड़न हो जाता है या फिर वह पैरालाइज होने लगता है। कई कारण है इसके, तो आपको अस्थमा का अटैक आता है, दमा का अटैक आता है, किसी किसी को यह अटैक साप्ताहिक आ जाता है, किसी को 15 दिन पर आता है, किसी को महीने दिन पर आता है, किसी को 6 महीने पर आता है, किसी को ऋतु परिवर्तन में आता है। ये सारे लक्षण अध्ययन करने के बाद दवा को दिया जाता है और आप पूर्णतः इस दवा से ठीक होते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इस दवा से आप ठीक, अगर आपके पास एस्पोजमेटिक एजमा है तो आज जो मैं दवा बताऊंगा उससे आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे, ये 100% गारंटी है। आइए इसके कुछ लक्षणों और इसमें कुछ परहेज के बारे में बता दूँ, पति के बारे में बता दूँ, ताकि इससे आप स्वस्थ रहेंगे, इससे बचे रहेंगे। इसका मुख्य कारण तो मैंने बताया है कि पेशाब में दिक्कतें से होती है, इसमें इस बीमारी को हो जाने के बाद आप सुपाच्य आहार का सेवन करें, गरिष्ठ भोजन ना करें, ज्यादा भोजन ना करें, हल्का भोजन लें और हो सके तो रात्रि कालीन चबा के भोजन जो करते हैं उस टाइप का भोजन बंद कर लें, लिक्विड लें, ताकि आराम से आपका पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाए, पाचन क्रिया में जो खाएं वह पाचन क्रिया में आ जाए, गैस ना बने, एसिडिटी ना हो, कब्ज ना हो, ताकि पेशाब में दिक्कतें ना आवे, नहीं तो आपको परेशानी बार बार यह सताएगी और बार बार आप परेशान होंगे। इसलिए इसमें थोड़ा परहेज रखें, खान पान पर ध्यान दें, इसमें ठंड खूब सहन होता है, इसमें ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। और परेशानी क्या होती है, बोलने में तुतलाहट आ जाती है, आवाज में लड़खड़ाहट होने लगती है, ये भी लक्षण है एस्पोजमेटिक एजमा। लगता है जैसे सांस लेते लेते दम बंद हो जाएगा, सांस नहीं ले पाऊंगा, ये लक्षण भी है। सांस खींचने में काफी परेशानी होती है, लगता है हवा नहीं मिल पाएगा, जैसे सांस खींचते हम लोग इसमें परेशानी होती है, खांसी होती है, हफनी होती है, लोगों को लगता है ये अस्थमा हो गया, लेकिन ये गड़बड़ी होती है पेशाब के, मुख्य कारण है इसका पेशाब की गड़बड़ी, पेशाब बंद बंद निकलना, पेशाब में जलन होना, पेशाब क्लियर नहीं होना। जब ये पेशाब क्लियर होगा आपका, यह अस्थमा का अटैक ऑटोमेटिक कम जाएगा, तो ये सब परेशानियां होती हैं। छाती पर लगता है जैसे भार, कुछ दबाव लगा हो, दबाव दे रहा है, छाती पर भार महसूस होता है, हर समय इच्छा करेगा पंखा के नीचे रहें ताकि हवा मिलती रहे, सांस लेने में मुझे दिक्कत नहीं हो, इस तरह की चाहत इस बीमारी में होती है। ये लक्षण आप मिला लें, अगर इस तरह की बीमारी आपके पास है, ये लक्षण आपको मिलता है, तो मैं आज जो दवा बताता हूँ वो लक्षण भेद के अनुसार आप लेंगे और आप इससे पूर्ण निजात पाएंगे, इसकी मैं पूर्ण गारंटी लेता हूँ। मैंने इसमें कुछ दवा का चयन किया है, इसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें मुख्यतः जो दवा मैं देता हूँ उसमें लक्षण भेद के अनुसार लेकिन देता हूँ, लक्षण आप मिला लेंगे तभी ये दवा लेंगे, तभी आप इसे ठीक हो पाएंगे, नहीं तो आपको परेशानी होगी।
तो लक्षण आप मिला लें। आज जो दवा बताता हूँ, पहली दवा मैं देता हूँ एस्ट्रोमोनियम 200 पोटेंसी में देता हूँ, 30 में भी दे देता हूँ, जो पोटेंसी आपको मिल जाए। अच्छी कंपनी की दवा लेंगे और कोशिश करें किसी होम्योपैथ डॉक्टर के संपर्क में रह के सलाह में लेकर ही इस दवा को लें तो बेहतर होगा, क्योंकि यह दवा बहुत ही इस बीमारी के लिए उत्तम दवा मानी जाती है। इसमें रोगी का मति जो होता है, मन जो होता है, काफ़ी चंचल होता है और वह डरपोक किस्म का आदमी होता है। उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, बोलने में तुतलाहट होती है, बोलने में परेशानी होती है, हवा और ठंडा की चाहत होती है, हुपिंग खांसी होता है, पेशाब बार बार होता है, बूंद बूंद टपकता है, पेशाब क्लियर नहीं होता है। साथ ही रोशनी से, आईना से, पानी से घबराहट होती है, शरीर में कंपन आना शुरू होता है, अड़कन आना शुरू हो जाता है, कभी कभी फड़कन आना शुरू होता है, अंग फड़कने लगता है, ऐसे ऐसे कूदने लगता है, मुंह सूखता है। सबसे इसका लक्षण महत्वपूर्ण है कि मुंह सूखा रहता है। ये ध्यान देने की बात है, खाना खाने में स्वाद नहीं मिल पाता है। ये सारे लक्षण अगर आप में हैं तो आप एक सिंगल दवा से अस्थमा को ठीक कर सकते हैं, ये एस्ट्रोमोनियम से। इसके साथ हालांकि मैं दम खुलने पर एक और दवा दे देता हूँ जिसका नाम है यारवा सेंटा क्यू मदर टिंचर, इसको तो देता ही हूँ। इसके साथ ये किसी भी दम्मा के रोगी को दिया जा सकता है, हर दम्मा के रोगियों में यह उपयुक्त दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस दवा को देता ही हूँ मैं, इसको 10 बूंद से 15 बूंद 3-4 बार गुनगुने पानी में या ताज़ा पानी में, क्योंकि इसमें गर्मी से बीमारी बढ़ती है तो गुनगुने पानी में इसमें नहीं लेना है, ठंडा पानी में ही लें क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, तो ठंडा पानी में लेंगे आपको राहत देगा। तो इस बीमारी में ये दो दवा मैं देता हूँ और ये दोनों दवा से ये लक्षण जो मैंने आपको बताया है, ये लक्षण अगर आप में है तो आप पूर्णतः ठीक होंगे, इसकी गारंटी है। दूसरी दवा देता हूँ, अब लक्षण भेद अगर दूसरी प्रकार की है, अगर बीमारी का दौरा एकाएक शुरू होकर बढ़ जाता है, शरीर में अड़कन हो जाता है, चेहरा नीला पड़ जाता है, गले में संकोचन होती है, तो उसमें मैं देता हूँ कुप्रम मेटालिकम, ये भी 200 पोटेंसी में देता हूँ, 2-3 बार देता हूँ, थोड़ा कम रहने पर 2 बार भी देता हूँ। इसमें और एक लक्षण है, इसमें कह दस्त का भी लक्षण रहता है, किसी किसी को रहता है, सभी को नहीं रहता है। इसमें खींचन, कह दस्त का लक्षण, श्वास में तकलीफ, हाथ पैर में खींचन पैदा करने वाला अड़कन, नीलापन और मिर्गी जैसा दौरा अगर आता है, बार बार अगर दौरा आता है, तो उस परिस्थिति में कुप्रम मेटालिकम बहुत ही उपयोगी दवा है, आपको लेना चाहिए। अगर इस तरह का आपको लक्षण है, 200 पोटेंसी मिलें, 2-3 बार लें, आपको यह बीमारी पूर्णतः आराम होगी, इसी में गारंटी देता हूँ। तीसरी दवा देता हूँ मैं ग्रिंडेलिया रोबोस्टा, 30 पोटेंसी में देता हूँ ग्रिंडेलिया रोबोस्टा, 2-3 बार देता हूँ। इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लें। इसमें हुपिंग खांसी होती है, साथ साथ लसदार बलगम निकलता है, ये लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए, और यह वक्षस्थल के रोग का, वक्षस्थल के कई रोगों की महाऔषधि मानी जाती है। वक्षस्थल में अगर कई सारी बीमारियों में ग्रिंडेलिया का मैं उपयोग करता हूँ, इसमें सांस बंद होने का भाव होता है, रात में सोए सोए एकाएक ऐसा लगेगा आपको ये बिछावन पर मुझे हवा नहीं मिल रही है, आप उठ के बैठ जाएंगे और हवा की चाहत
महसूस करेंगे, खिड़की खोलेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी गेट खोलेंगे ताकि हवा आती रहे और मैं इसे राहत में आ जाऊं। ये महत्वपूर्ण दवा है इसके लिए। इसमें सांस रुकने का भाव हो जाता है और बलगम लसीला निकलता है, हुपिंग खांसी का दौरा आता है। आप ध्यान रहे, सोए सोए सांस रुकने का अगर भाव प्रकट हो तो बुंदेलिया आपके लिए रामबान दवा है। किसी भी लक्षण में, किसी भी बीमारी में, छाती संबंधी रोग में अगर यह लक्षण मौजूद हो, आप बुंदेलिया आंख मूंद कर ले सकते हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको यह बीमारी 100% ठीक होगी। सांस रुकने का भाव अगर बिस्तर पर आपको है तो बुंदेलिया लें। अगली दवा देता हूं, ईपिका 200% में देता हूं, फीस भी उपलब्ध रहता है। इसे भी लक्षण के बारे में कुछ जानकारी दे दूं आपको। इसमें छाती में साई साई आवाज आती है, कुपिंग खांसी के साथ खाए हुए वस्तु का बमन का भी लक्षण रहता है, इसमें उल्टी और कैर का लक्षण रहता है, श्लेष्मा और उकाई उसके साथ में आती रहती है, बार बार आती है, ज्यादा जारा ठंडा या ज्यादा गर्मी दोनों में इसके बीमारी बढ़ते हैं। ज्वर के भी लक्षण साथ में होते हैं, पसीना के भी लक्षण साथ में होते हैं, ज्वर और पसीना, उताप और ठंडा दोनों लक्षण होते हैं इसमें। ये लक्षण अगर आपके मिलते हैं, छाती, पीठ, सिर, कमर आदि स्थानों में दर्द भी होते हैं इसमें, ये सारे लक्षण अगर आपको मिलते हो, दमा का खिंचाव तो होता ही है, निमोनिया का खिंचाव होता ही है, अगर दमा का खिंचाव हो या काली खांसी का खिंचाव हो या निमोनिया का खिंचाव हो, जिस भी तरह का खिंचाव हो, खास करके बच्चों में इस तरह का ज्यादा हुआ करता है, और इसके साथ अगर अड़कन हो, चेहरा नीला हो जाता हो हल्का सा बच्चों में केवल, तो ईपिका रामबाण दवा है। उल्टी, दस्त और कह के साथ हल्का फीवर और पसीना के साथ अगर इस तरह का लक्षण हो, हुपिंग खांसी का दौरा हो, दम फूलने का भाव हो, तो ईपिका 30 या 200 पोटेंसी में, बच्चा है तो 30 पोटेंसी में ही दें, अगर सियाना है तो 200 पोटेंसी में दें, आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा और आपकी बीमारी 100% ठीक होगी। किसी दूसरी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एस्कोस्मेटिक एजमा का बहुत ही महत्वपूर्ण दवा में से एक माना जाता है। एक और महाऔषधि मैं आपको बताता हूँ जो हुपिंग खांसी की महाऔषधि मानी जाती है। इसके जोड़ा में दूसरी दवा हुपिंग खांसी के लिए नहीं बना है। अगर कोई दवा काम नहीं करता है तो हुपिंग खांसी में यह दवा नेप्थेलाइन बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसको 6-30 पोटेंसी तक ही मैं देता हूँ। जरूरत पड़ता है कम पोटेंसी में मिल जाता है उसमें भी दे देता हूँ, जो उपलब्ध रहता है दे देता हूँ। बहुत बेहतरीन काम करती है और इसके रोग लक्षण शीत ऋतु में और हेमंत ऋतु में ही बढ़ने के लक्षण पाए जाते हैं। दो ही ऋतु में इसके रोग लक्षण बढ़ते हैं, लेकिन शीत ऋतु में ज़्यादा बढ़ता है और दमा का जबरदस्त खिंचाव, खांसी होता है। इसका जबरदस्त खिंचाव और खांसी में बहुत ही उपयोगी दवा है। व्यक्ति सो नहीं पाता है, रात में सोए सोए इतनी खांसी बढ़ जाएगी कि आपको नींद नहीं लगेगी। इतनी तंद्रा आते ही शरीर में, जैसे ही आप सोने के लिए जाएंगे, आंख लगेगा, पसीना आ जाएगी और आपकी नींद खुलेगी और खांसी बढ़ जाएगा। इस लक्षण में भी यह उपयोगी है और खांसी इतना बढ़ेगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, खांसते खांसते परेशान हो जाएंगे लोग को थोड़े। इस परिस्थिति में खांसी सांस लेने का अवसर नहीं देता है। ध्यान रहे, खांसी सांस लेने का अवसर नहीं देता है और यह यक्ष्मा और थाइसिस के कष्ट कष्टकर खांसी में भी, जिसमें
ब्रोंकाइटिस और एक्समा जिसको टीबी का रोग हो जाता है, इस टाइप के रोग में जब यह कष्टकर खांसी होती है तो उस समय में हल्की फीवर आके पसीना होगा और खांसी शुरू हो जाएगी, बर्दाश्त नहीं होगा खांसी। उस परिस्थिति में जब बहुत परेशानी युक्त खांसी हो, सांस लेने का अवसर नहीं दो दे तो नेफ्थलाइन बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसको बच्चे हैं तो 6 पोटेंसी में दें और ज्यादा उम्र के लोग हैं तो 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है। ध्यान रहे जो भी दवा लें अच्छे कंपनी का लें और व्यवस्थित कंपनी का लें। और इसके साथ आपको मैं बताऊं ये महत्वपूर्ण दवा मैं इस रोग में देता हूं और रोगी ठीक होते हैं। इसके साथ एक दवा और है जो रात्रिकालीन हूपिंग खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है, जिसका नाम है मेफाइटिस। 3x6x पोटेंसी में 2x3x4 बार देता हूँ। ये रात्रि में हूपिंग खांसी के साथ अरकन और टंकार खाई हुई वस्तु का क्या इसमें लक्षण है, सांस लेने और छोड़ने दोनों में परेशानी होती है। ये महत्वपूर्ण दवा है मेफाइटिस, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये दवा बहुत ही उपयोगी है। एक दवा और मैं दे चलाता हूँ इसमें सेम्बुकस नाइग्रा। इसमें नींद के समय शरीर सूखा रहता है लेकिन जैसे ही नींद खुलेगी आपके पूरे शरीर में पसीना आ जाएगा, लक्षण होता है जैसे ही नींद खुलेगी पूरे शरीर में पसीना आ जाएगा। ध्यान रखिए जिसमें सोए हैं शरीर सूखा रहेगा, जिस समय आपकी नींद खुलेगी पसीना बढ़ जाएगा, गले में घरघराहट होगी, सर्दी खांसी होगा, खांसते खांसते बच्चा जो छोटा बच्चा होता है लोटपोट हो जाता है, सांस लेने का मौका नहीं मिलता है। बच्चा जब दूध पीने के लिए माता के स्तन में मुंह लगाता है तो उसकी नाक चिपक जाती है, बंद हो जाती है, दूध नहीं खींच पाता है। सर्दी खांसी में भी जिस समय में नाक बंद होता है बच्चा का, यह बहुत उपयोगी दवा है। उस समय अगर अस्थमा जैसा अटैक मालूम हो फिर भी उपयोगी दवा है। और यह दौरा रात में सोए समय ज़्यादा होती है, बढ़ती है, बच्चा परेशानी का में पड़ जाता है, लोटपोट होने लगता है खांसते खांसते, उस परिस्थिति में बहुत उपयोगी दवा है। एक और दवा है इसमें कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका मन मस्तिष्क और आत्मा से संबंधित विषयों पर गहरा प्रभाव डालता है, जैसे सुख दुख आवेग भय क्रोध, ये सब पर इसका बहुत अच्छा गहरा प्रभाव होता है। दम्मा की खांसी, छाती पर दबाव, सांस रुक सी जाना इस रोग का महत्वपूर्ण लक्षण है। रोगी को हांफना, पंखे की हवा चाहना, हृदय पिंड में सुई गिरने जैसा दर्द, ये मुख्य रूप से हृदय पिंड का रोगियों को भी देता हूँ और कभी कभी यहाँ भी उपयोगी हो जाता है तो इसमें भी लक्षण के अनुसार देना पड़ता है, लेकिन मुख्यतः यह कैनाबिस इंडिका हृदय रोगियों में काफ़ी उपयोग करता है जो आगे बताऊंगा हम, क्योंकि इसको 5 भागों मैंने विभक्त किया है। ये महत्वपूर्ण दवाएं हैं और इस महत्वपूर्ण दवा से आप पूर्णतः ठीक होंगे। इस दवा का अगर आपके पास एस्पर्जमेटिक एजमा है तो इसका उपयोग करें और मैं पूर्ण गारंटी लेता हूं आप ठीक होंगे। अगले वीडियो का इंतजार करें कि अस्थमा पर मैं और वीडियो बनाऊंगा, जो हो सकता है 2 से 3 वीडियो में कवर हो जाए या 4 से 5 वीडियो भी बनाना पड़े। अस्थमा पर मैं पूर्णतः रिसर्च करके सभी दवाओं को आपको बताऊंगा। इस वीडियो को जरूर देखें, लाभ उठावें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और अगले वीडियो का इंतजार करें दोस्तों, ताकि आपको हो सकता है जो ये एस्पर्जमेटिक एजमा नहीं हो, ब्रंकल एजमा हो या फिर हिस्टोरिकल एजमा हो, रेनल एजमा हो या कोई अन्य हो, उसके बारे में भी मैं जब दवा बताऊंगा उसको देखें, लाभ उठावें और इससे फायदा लें और दूसरे को भी फायदा पहुंचाने का काम करें। इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करके लाइक करें, बेल आइकन का घंटी अवश्य दबा लें ताकि मेरी आने वाले वीडियो आपको लिंक में चला जाए, मिल जाए, आप इसे लाभ उठा सकें। तो
खुश रहें, सुंदर दिखें। धन्यवाद।